एग फ्रीजिंग से पहले आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग फ्रीजिंग आप अपना समय से कराएं, बिकॉज जो एज होता है फीमेल्स का 40 हो जाता है, 48 हो जाता है, 50 साल की फीमेल्स हो जाती हैं, वो आती हैं एग फ्रीजिंग के लिए। तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बाहर की जीन्स हैं, यूरोपियन हो आप, तो ऑब्वियसली 33 के बाद आपका एग रिज़र्व डिक्लाइन करना शुरू करता है। अगर आप इंडियंस हो तो ऑब्वियसली 32 के बाद एग रिज़र्व डिक्लाइन करने लगता है, और कुछ पेशेंट्स में जिनमें प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर की टेंडेंसी होती है, उनके एग रिज़र्व तो और पहले कम हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आजकल की लड़कियों के लिए जो वर्क कर रही हैं, जो मॉडर्न लाइफ में बिजी हैं अपना करियर बनाने में, जो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप जगोगे, जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे अब बच्चा चाहिए, तब आपके अंडे ही नहीं रहेंगे। फिर आप IVF कराओगे, लेकिन आपको किसी और से एग उधार मांगना पड़ेगा, जैसे कि आप ब्लड उधार लेते हो, किडनी उधार लेते हो, वैसे लेना पड़ेगा। इससे बचने का ये रास्ता है कि शादी के पहले ही आप अपने अंडे फ्रीज कराएं, जो आपको एजलेस बना देगा, इससे कि आप कभी भी बाद में भी अपना बच्चा प्लान कर सकते हैं। तो यंग एज में एग फ्रीज कराना बहुत ज़रूरी है, जब आपके AMH लेवल्स नॉर्मल हों। इसीलिए जैसे आपको पता हो कि ये सब हैं, अगर आप थोड़े भी करियर ओरिएंटेड हैं, आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं मैं अभी बेबीज़ नहीं करने वाले हैं, आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को विज़िट करें, जो भी IVF स्पेशलिस्ट हैं वो आपको गाइड करेंगे एग फ्रीजिंग के लिए। और एग फ्रीजिंग इतने होने चाहिए, एग्स इतने निकलने चाहिए जो कि मिनिमम 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए हो, इतने अंडे होने चाहिए हमारे पास, बिकॉज कभी कभी IVF साइकिल में मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तीसरी, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है एग फ्रीजिंग के पहले। आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल कंट्रोल में होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप कोई हाईली स्ट्रेसफुल जॉब लेने वाले हो, कुछ अगर आप ड्रिंक स्मोक बहुत ज़्यादा करते हो, ड्रग्स लेते हो, इन सब कोई भी चीज़ की तरफ आप जा रहे हो, तो पहले तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, पर अगर आप फिर भी करते हो तो आप ये सब करने के पहले अपना एग फ्रीज करा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर आपने स्टार्ट किया तो भी फ्रीज करा लो, बिकॉज ये सब चीज़ें आपके गैमेट्स को, आपके अंडों को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगी, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बिकॉज आप जब अपने लाइफ में 40 के हो जाओगे, 35 प्लस हो जाओगे, उसके बाद आप सोचोगे बच्चे करने के लिए, तो आपके पास पैसे तो होंगे लेकिन आपके अपने जीन्स ख़त्म हो चुके होंगे। फिर आपको मजबूरी में डोनर एग्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनसे अपनी IVF साइकिल करानी पड़ेगी। तो आपका AMH लेवल बहुत ज़रूरी है जानना, आपके लाइफस्टाइल के चेंजेस जानने आपको बहुत ज़रूरी हैं। जितना आप हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करोगे, उतना आप एज आपकी धीरे धीरे होगी, तो आपके AMH लेवल उतने कम डिटेरिएट करेंगे। आप अपना डॉक्टर ध्यान से सेलेक्ट करें और IVF सेंटर ध्यान से सेलेक्ट करें, बिकॉज जो एग फ्रीज होगा वो फिर थॉ होकर रिकवर भी होना चाहिए लेटर ऑन। आप 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद आप उस एग को यूज़ कर सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ ये है कि अपने एग फ्रीजिंग का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। हर ईयर आपको सेंटर पे आके अपना ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसको रिन्यू करना पड़ता है। जैसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, प्रीमियम होती है, एक लोन चलता है वो भी होता है हर वक्त, आपको उसमें EMIs भरनी पड़ती हैं, वैसे ही आपके फर्टिलिटी का इंश्योरेंस होता है, तो ऑब्वियसली इसको भी आपको रिन्यू करना पड़ता है हर ईयर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट में रहो हर ईयर, अगर आपने कहीं भी अपना एग फ्रीज कराया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी बहुत ज़रूरी हैं। और जो एग फ्रीजिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही पेनफुल नहीं होता है, वो बहुत ही डरावना नहीं होता, इस चीज़ को आप अपने दिल से निकाल दो। उसमें नॉर्मल आपको इंजेक्शंस लगते हैं जैसे एक IVF साइकिल में लगते हैं, वो इंजेक्शंस आपको स्किन में लगते हैं जैसे इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं, वो बहुत पेनफुल नहीं होते हैं, उसको लगते हैं। और फिर हल्की आपको बेहोशी मींस IV सेडेशन दिया जाता है, कोई आपको पूरा GA नहीं दिया जाता है, उसका एज सच कोई रिस्क नहीं होता है बॉडी पे, उससे आपके अंडे निकाले जाते हैं और अंडे आपके फ्रीज कर दिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, इससे आप डरो नहीं और अपना फ्रीजिंग कराओ, बिकॉज अगर आप बाद में प्लान करोगे बेबी, तो फिर 50% या 60-70% चांस होता है कि आप उस तरफ बढ़ोगे। अगर आपका AMH फिर भी कम है तो आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें, जो कि हो सकता है कि आपको कुछ मेडिसिंस पे डालें इसको रिकवर करने के लिए, आपके ओवरीज को थोड़ा रिजुविनेट करने के लिए, सो दैट आपके ज़्यादा से ज़्यादा एग्स हमें आगे मिल सकें और वो एग्स आपके बेबीज़ बनाने के लिए यूज़ हो सकें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम रखें आपका ख्याल।